जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों, बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर यूपी ट्रिपलसी एजीटीए से संबंधित। आपको पता है साथियों, यूपी ट्रिपलसी एजीटीए में आरक्षण घोटाला को लेकर बहुत ज्यादा बवाल साथियों चल रहा था इस समय। तो मेरे प्यारे साथियों, उससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि साथियों हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी गई है, उसका पूरा साक्ष्य मैं दिखाऊंगा और कब तक सुनवाई होगी, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें बताऊंगा। तो साथियों, पहली बार अगर एमबी शिक्षाला परिवार से जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए मेरे प्यारे साथियों। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मेरे प्यारे साथियों, बात क्या है, आपको पता है साथियों, यूपी ट्रिपलसी एजीटीए में ओबीसी और एससी के आरक्षण के साथियों घोटाला हुआ है, उसमें सीटें कम हुई थी। तो ओबीसी और एससी वाले जो भी साथी थे, उसमें क्या है, रिट यानी याचिका दायर कर दी है साथियों हाई कोर्ट में। तो उस पर क्या है प्रोसेसिंग, यानी साथियों उसकी प्रक्रिया लंबवत चलेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस समय आपको पता है होली की छुट्टी हो गई है, तो याचिका तो दायर कर दी गई है, लेकिन साथियों होली की छुट्टी है, आपको पता है लगभग हमें लगता है 27 तारीख तक हाई कोर्ट में छुट्टी है। तो ये जो है याचिका मैं दिखाऊंगा, अभी आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, कि जस्ट मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, एक मिनट देख लीजिए। ये साथियों क्या है, पिटीशन आपकी जो है, याचिका दायर कर दी गई है, इसमें मैं दिखाऊंगा क्या है सारी चीजें, क्या लिखा है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक। ये जैसे देख लीजिए, इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जज कल एट प्रयागराज सिटिंग एट लखनऊ, रिट पिटीशन नंबर और साथियों पीएल 2020 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। पहले साथियों, अभी ये साथियों मैं फॉर्मेट आप सब लोग को दे रहा हूँ पूरा, बाकी यहाँ पर जिसने जारी किया है उसका नाम है, मैं उसको फिलहाल हफ स्क्रीन पर नहीं ला रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में लिखा, स्टेट ऑफ यूपी थोरो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होम सिविल सिक्रेशन जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लखनऊ थ्रू इट्स सिक्रेटरी, यानी साथियों किसके लिए है, उत्तर प्रदेश जो है साथियों यूपी ट्रिपलसी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए। नंबर थर्ड पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश थ्रू इट्स सिक्रेटरी, यानी और साथियों ये है अस्पॉन्डेंट जो है। उसके बाद में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 2026 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो है साथियों आर्टिकल अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये साथियों जो है पिटीशन जारी की गई है, यानी याचिका दायर कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 226 के साथियों अंदर। उसमें साथियों उसमें क्या है, बिफोर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड हिज लीडरशिप लॉर्डशिप कंपेनियन जज ऑफ द अफोर्डेड कोर्ट एंड द पिटीशनर्स ऑफ नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेट एड अंदर द फर्स्ट पॉइंट है, द पिटीशनर्स ऑन द सेम सेट फैक्ट्स हैव नॉट फिल्ड एनी अदर रिट पिटीशन आर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट आइदर एट इलाहाबाद आर एट लखनऊ फॉर द रिलीफ सो थोरो एट द प्रेजेंट रिट पिटीशन एंड दिस इज द फर्स्ट रिट पिटीशन ऑफ द पिटीशनर्स इन द रिगार्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। सेकंड पॉइंट है दैट द पिटीशनर्स हैव बीन, यानी पूरी चीजें इस पर लिखी है, कई सारे पेज हैं देख लीजिए। आर्टिकल 14 का भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट साथियों है जिक्र किया गया है। फोर नंबर पॉइंट है, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन में लिखी गई है यहाँ। 4/3/2000 को यहाँ पर लिखा गया है कि दैट वाई मीन्स द प्रेजेंट पिटीशन द पिटीशनर्स आर सीकिंग अ रिट इन द नेचर ऑफ सिटोरी क्वेश्चनिंग ऑफ द रिकॉर्ड और टू क्वेश टू रूलिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ डेटेड 4/3/2024 नंबर, यानी 4 मार्च को आपका पिटीशन जो है डेट आई थी किसकी, फॉर्म की, और साथ जो है 7/3/2024 फॉर द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी ग्रुप सी कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 4/3/2024 यानी 4/3/2024 इज द विंग फील्ड हियर विद एंड जो है विंग मार्क एनेस्टर फेन नंबर 1 to द प्रेजेंट पिटीशन फर्दर द पिटीशनर्स इन द इंश्योरेंस, यानी बहुत सारी उसी के बारे में चीजें लिखा। अब क्या दर्ज किया जाता है आपको पता है, सारी चीजें लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी कार्रवाई कब शुरू होगी, आप लोग परेशान होंगे कि सर क्या होगा, तो आप कभी किसी भी साथी को परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं परेशान होना है उसको भी मैं बताऊंगा। इसलिए नहीं परेशान होना है क्योंकि साथियों ये जैसे याचिका दायर तो की है एससी ओबीसी वाले साथी भाई जो है याचिका दायर किए हैं, लेकिन इस पर क्या है सुनवाई होगी
और सुनवाई होने के बाद जो फैसला कोर्ट देगा कहीं ना कहीं साथियों उसका सभी लोग मान्य करेंगे और मान्य करना ही पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी के भी हक का अगर छेड़ा जाता है, उसके हक को छीना जाता है, तो वो अपने हक को पाने के लिए साथियों कहीं ना कहीं लड़ाई करेगा, संघर्ष करेगा और उनका जायज बनता है। तो प्यारे साथियों आप सब लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसकी सुनवाई कोर्ट बंद है तो सुनवाई पर याद का तो जाहिर हो गई है, लेकिन इसकी सुनवाई साथियों क्या है 27 के बाद में ही होगी। कब होती है? अब ये प्रक्रिया लंबा चलेगी यानी लंबी चल सकती है, तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, बाकी मेहनत करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, वो तो सामने आप लोग के पास ही रहेगा ना, फ्रंट पर ही दिख जाएगा। और बाकी कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि सर आपने कहा था कि याचिका दायर होगी, यह है वो है, तो मैं सोचा क्यों ना उनको फकरूप दिखा दूं कि हाँ याचिका दायर हो गई है। अब डिसीजन कोर्ट का आता है कि हाँ क्या होगा, कोर्ट क्या साबित करता है, जो भी चीज़ें हैं पितृपक्ष कोर्ट को क्या चीज़ें हैं दिलाता है, कैसी इंफॉर्मेशन होता है, किस हिसाब से किस बेस पर आरक्षण को साथियों बांटा है, आरक्षण उसमें लागू किया है, सारी इंफॉर्मेशन तो देख देगा ही। और इन साथियों ने भी अपना बहुत ही अच्छा काम किया है कहीं ना कहीं, और फिलहाल आप सबको परेशान नहीं होना है, कंटिन्यूटी पितृपक्ष, आपको पता जो पिछले 2013 के वैकेंसी का जो लोगों का लगभग 2600 लोगों का था, उनका टेम्परेरी जो है पीटी का सर्टिफिकेट भी जो है ऑनलाइन होने शुरू हो गया है, यानी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तो कोई भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन सटीक बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर एमबीए शिक्षा वाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।